तो हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इस हमारी वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों बहुत बड़ा एक अपडेट आया है राशन कार्ड को लेके कि दोस्तों अभी तक जो दोस्तों आपने राशन कार्ड में अगर EKYC नहीं करी दोस्तों, तो अब जो गवर्नमेंट तरफ से जो नया अपडेट आया है उसके बारे में दोस्तों बताने वाला हूँ। 31 तारीख से पहले दोस्तों आपको जो अपने राशन कार्ड में EKYC कर लेनी है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 3 ऐसे प्रोसेस बताऊंगा जिनके जरिए से आप अपने राशन कार्ड में EKYC कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या है प्रोसेस जानने के लिए दोस्तों वीडियो को जो कंटिन्यू वॉच करते रहें, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो कृपया वीडियो को जो है कंटिन्यू वॉच मतलब फुल वॉच करें। तो आइए ज्यादा लेट ना करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि अगली वीडियो हमारी आएगी दोस्तों तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं कि आप जो किस तरीके से अपने राशन कार्ड में दोस्तों EKYC करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपको जो है प्रोसेस पूरा समझ आएगा। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू फुल वॉच करें। इसी के साथ आइए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको सर्च मारना है राशन कार्ड EKYC, ये लिख के दोस्तों आपको सर्च कर लेना है। सर्च कर सही देख सकते हैं आप, आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे लिंक आधार विद राशन कार्ड गवर्नमेंट, इसी के ऊपर आपको दोस्तों क्लिक कर लेना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन इस तरह के देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे आप 3 डॉट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन दे रखा है एक सिटीजन का, सिटीजन वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है पहला वाला सर्च योर डिजिटल राशन कार्ड डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो है अपना राशन कार्ड का जो नंबर है वो टाइप कर देना है, और ये कैप्चर कोड जो है यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे जो भी आपके राशन कार्ड की डिटेल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ऑप्शन दे रखा है EKYC डन के आगे दे रखा है नो, यानी कि हमारे राशन कार्ड में जो है EKYC नहीं हुई है। और आप जो दोस्तों इसका स्टेटस भी चेक करेंगे तो देख सकते हैं डीएक्टिव हो चुका है, मतलब कि राशन कार्ड में हमारा जो है डीएक्टिवेट है, हमें जो इसे एक्टिवेट करना है और EKYC करनी है। तो आइए दोस्तों किस तरीके से आपको EKYC करनी है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो EKYC के आगे जो ऑप्शन रखा है डू EKYC दोस्तों, इसी के ऊपर जो है दोस्तों आपको जो है यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको जो ऑप्शन मिल जाएगा EKYC करने का, और आपको जो इस वीडियो में दो ऑप्शन बताऊंगा EKYC करने किस तरीके से करनी है। तो पहले इस पर क्लिक करेंगे डू EKYC पर, उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे अपना राशन कार्ड नंबर डालना है और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपको देख सकते हैं यहाँ पर राशन कार्ड की डिटेल है जो आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे आधार लिंक स्टेटस देखा, आधार इज नॉट लिंकड, यानी कि राशन कार्ड में EKYC कम्प्लीट नहीं है दोस्तों। तो आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना आधार नंबर जो है दोस्तों वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ से कंसेंट देना है, उसके बाद सेंड OTP के ऊपर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको जो यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारी EKYC कंप्लीट हो जाएगी। अब उसको हम चेक करते हैं तो आपसे आएंगे यहाँ पर जो राशन कार्ड नंबर डालना है और ये कैप्चर कोड यहाँ पे डालना है और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे इस तरीके देख सकते हैं राशन कार्ड डिटेल जो हमारी दोबारा से शो होने लग जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे आप राशन कार्ड EKYC का क्या लिखा रहा है, यस, यानी कि राशन कार्ड हो चुका है हमारा EKYC, और स्टेटस भी चेक कर सकते हैं एक्टिव हो चुका है हमारा राशन कार्ड का। तो यानी कि हमारी जो राशन कार्ड में EKYC दोस्तों कंप्लीट हो गई है। ये दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस था, अगर आपके स्टेट में ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो मैं जो आपको ऑफलाइन भी बताऊंगा और किस तरीके से करा सकते हैं उसके बारे में बताता हूं। तो वापसी आप प्ले स्टोर पर आएंगे और यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, मेरा राशन 2.0, ये ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल ऐप MyLaptop में। उसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आएगा। ये दोस्तों यहाँ पे जो कुछ आपसे परमिशन मांगेगा, जैसे कि आपके आधार कार्ड नंबर डाल के आपको जो है इसे वेरीफाई करना पड़ेगा, और ये MPIN वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, मतलब MPIN वगैरह आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आधार नंबर डाल के। इस पर मैंने एक वीडियो बना भी रखी है आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपको जो MPIN क्रिएट कर लेनी है, MPIN आपको जो बनाई थी आपने टाइप कर देनी है, उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं आपका राशन कार्ड शो होने लग जाएगा। और आपको राशन कार्ड में EKYC किस तरीके से करनी है उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है मैनेज फैमिली डिटेल का,
इसी के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारे राशन कार्ड में जो भी जितने मेंबर हैं सभी के नाम दोस्तों आप देख सकते हैं शो होने लग गए हैं, और सबके नाम के आगे अगर आप देखेंगे तो देखेंगे नॉट वेरीफाई, नॉट वेरीफाई यानी कि नॉट वेरीफाई, यानी कि राशन कार्ड में ई KYC नहीं है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे नॉट वेरीफाई का ऑप्शन जो है यहाँ पे शो हो रहा है। और टोटल 4 हमारे यहाँ पे पेंडिंग है देख सकते हैं ई KYC के लिए, तो 4 स्टेट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब आपको जो किस तरीके से करना है तो इसके ऊपर नॉट वेरीफाई वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों लिखा आएगा ई KYC के लिए जो आपका नियर बाई जहाँ से आप राशन लेते हैं वहाँ पर जाके आप जो है इसमें ई KYC करा सकते हैं। अगर और भी ऑप्शन है इसमें दोस्तों, जो भी आपके पास राशन दफ्तर है आप जाकर वहाँ करा सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता दोस्तों तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नियर बाई PF शॉप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है जितने भी आपके आसपास के नज़दीक मतलब कि ये जो राशन की दुकानें होंगी उनकी साइट डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, एड्रेस मिल जाएगा अगर, और आपको लोकेशन भी मिल जाएगी दोस्तों। लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर लोकेशन भी आपको दिखा देगा, तो आप जो है लोकेशन के जरिए भी राशन की दुकान पर जाके अपना ऑफलाइन के जरिए से राशन कार्ड में ई KYC करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही प्रोसेस, दो प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं, इसी प्रोसेस से आप जो है अपने राशन कार्ड में ई KYC करा सकते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो यही प्रोसेस था, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट करके जरूर दोस्तों आप लोगों को जो पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि अगली वीडियो हमारी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे कि आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। और इस तरीके की नॉलेज भरी वीडियो दोस्तों आप लोगों को इस चैनल में मिलती रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।